करनाल के एक निजी होटल में एक सादा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल LN शर्मा को नागरिक सम्मान समारोह से नवाजा गया। LN शर्मा राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट मेडल से भी सम्मानित किए गए हैं। LN शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि करनाल से उनका गहरा नाता है। वह करनाल के समीप कुंजपुरा सैनिक स्कूल में प्रिंसिपल के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं और आजकल एयर वाइस मार्शल के पद पर तैनात हैं। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना दुश्मन देश के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारतीय सेना के पास हर वो तकनीक व हथियार है जो किसी सक्षम देश के पास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा वीर सैनिकों की भूमि है और भारतीय सेना में उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा का दूसरा नंबर है। युवाओं को चाहिए कि वह सेना में अवश्य जाएं, क्योंकि इसमें सर्विस सुविधाओं के अलावा देश सेवा का मौका भी मिलता है। परिजन भी अपने बच्चों को सेना में भेजने के लिए प्रोत्साहित करें। वह राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल मिलने पर करनाल में सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित अपने सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर DDS संधू ने सभी कुंजियन की ओर से LN शर्मा का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह करनाल का सौभाग्य है कि इन जैसी हस्ती ने यहां पर अपनी सेवाएं दी। करनाल की मिट्टी में यह खास बात है कि जो भी यहां आता है वह यहां की संस्कृति में रच बस जाता है। इस मौके पर कुरुक्षेत्र के वाइस चांसलर रहे DS संधू, पूर्व विधायक रमेश गुप्ता, स्वच्छता अभियान के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र के अलावा शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मैं सबको कहना चाहूँगा, सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि सशस्त्र सेनाओं के लिए तैयारी करें, उसमें ज्वाइन करें। बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छी लाइफ है और उसके लिए जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी योगदान चाहिए सैनिक स्कूल कुंजपुरा और हम भारतीय सेनाएं, उसके लिए तत्पर हैं। सर, कैसा अनुभव था जब राष्ट्रपति जी ने आपको मेडल से सम्मानित किया था, आपके लिए कैसा रहा? गर्व का विषय है, ये बहुत प्रतिष्ठित वो है, मेडल है और वाकई में बहुत अच्छा। क्या कुछ कहना चाहोगे उन नागरिकों को या उन स्टूडेंट्स को जो मार्शल में या जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आप एक सपना देखते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। अगर एक किसान का बच्चा एक एयर वाइस मार्शल बन सकता है, राष्ट्रपति पदक पा सकता है, तो ये आज के बच्चे और आपके बच्चे तो बहुत भाग्यशाली। सर, आपको प्रेरणा करनाल, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अ स्टूडेंट इन 80s, आई वाज इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, माय फादर लॉ, दैट टाइम ही वाज नॉट माय फादर लॉ, मिस्टर आईडी कौशिक, ही वाज SDM हियर. So during vacations, I used to come, and my wife, she was a school student, you know. I was a university man and children's school. So I used to see her going on a scooty every day for the tuitions. So, and I used to be, in the outhouse of the SDM house, and subsequently when he became the deputy commissioner of Karnal, I used to, visit them quite often. And since then, I had a desire, somehow I had an innate desire, because I had joined Air Force, I had a very passionate desire that someday I must come and be at Kunjpura. So, first time when I got selected for Sainik School in Himachal, so I told them, look, I'll be happy that if you send me to Kunjpura. So they said, may not be this tenure, but next tenure, we are very hopeful that if you make it to group captain, you will go as principal Sainik School Kunjpura. So in 2011, when I was the chief instructor at Air Force Academy, I was invited for the interview, and the first thing and the last thing that they asked me was, where would you like to go? I said, only one place that I have in my mind and I have a desire to go is Kunjpura, and that is Kunjpura and nowhere else. And when I came here, Rakesh Gupta ji was the first person. Ramesh Gupta ji, Jan Sandhu, Shri Huda ji, all the Kunjians, they accorded that kind of warm welcome. The staff, I felt as if, I knew them for long, for years together, because
I never, you know, although I've been in Sujanpur era, but I always felt that sometime I'll be in Kunchpura, so I always kept some kind of tentacles in Kunchpura. So, you know, like we all sat together, I sat with my staff, I sat with my boys, and I said, look, you know, all along I've been hearing that Sainik School Kunchpura has got Rakshamantri Trophy 7 times. So I said, I want to see it ring. जो कुंजियन को पढ़ाते रहे हैं एयर मार्शल शर्मा हमारे बीच हैं और उनके लिए करनाल में एक बहुत ही गदगद करने वाला जो इनको प्यार दिया है आली को जो समारोह में इस समारोह में कि इतने पूरे शहर के हर वर्ग से आगे जो करनाल के वासी हैं उन्होंने आके इनके लिए इस समारोह में शामिल हुए हैं और साथ में इनका इनको सम्मान दिया है। मैं एक उंजर होने के नाते ये कह सकता हूँ कि जो भी यहाँ पे कुंजियन प्रिंसिपल आते हैं वो एक कुंजपुरा की स्पिरिट में रम जाते हैं और मुझे ये सुन के भी खुशी है कि टंडोला साहब भी इनके नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं। शर्मा जी का यहाँ पे जो टेन्योर था एक बहुत ही सक्सेसफुल टेन्योर था और जितने एक्स कुंजियंस हैं सारे आज तक उस टेन्योर को बड़े प्यार से याद करते हैं। मुझे ये खुशी है कि इन्होंने अपनी सर्विस में बहुत अच्छा किया। कुनपुरा से आगे यहाँ से आगे जाके ये एयर वाइस मार्शल के पद पे पहुंचे और उसके ऊपर से उनको एक ये बहुत ही गौरवशाली जो सम्मान होता है राष्ट्रपति की तरफ से अति विशिष्ट सेवा मेडल ये मिला है। JBD बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें। धन्यवाद।